सेंट जोसेफ स्कूल में धर्मांतरण के मामले को लेकर नागरिकों का गुस्सा फूटा। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी व कलेक्टर मौके पर पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय चर्च सेंट जोसेफ भारत माता कॉन्वेंट स्कूल में लगाई पुलिस। स्कूल के घेराव की पूर्व सूचना के बाद भी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा हेतु उचित प्रबंध नहीं किए स्कूल पर। विस्तृत है गंज मसौदा से अरन चौबे की एक रिपोर्ट। शहर के सेंट जोसेफ स्कूल में हिंदू संगठन के कुछ गुस्साए लोगों के द्वारा स्कूल परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया गया। गुस्साए लोगों ने स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। आपको बता दें, पिछले दिनों सेंट जोसेफ स्कूल के 8 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। लगातार पिछले दिनों ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हंगामे को देखते हुए पुलिस शहर के स्थानीय चर्च भारत माता कॉन्वेंट स्कूल और सेंट जोसेफ स्कूल में तैनात कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर में एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंच गए हैं। मामले में एसपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि जो भी कार्रवाई होगी वह वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला जांच में ले लिया है। विगत कई दिनों से सेंट जोसेफ स्कूल धर्मांतरण को लेकर सुर्खियों में था। इसमें हमारे राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इसको संज्ञान में लेकर माननीय कलेक्टर साहब को लेटर लिखा था कि इसकी जांच करी जाए कि 8 बच्चों का जो ईसाई पद्धति से धर्मांतरण हुआ है वो 8 बच्चे कौन हैं। लगातार चर्च के माध्यम से आदिवासी वनवासी भाइयों का और हिंदू भाइयों का लोभ और लालच देकर शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर उनका धीरे धीरे धर्मांतरण किया जा रहा है। एक तरफ स्कूल में हिंदू मान्यताओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इतवार को चर्च में आने के लिए प्रेरित किया जाता है। दिसंबर माह में एक हफ्ता के लिए चर्च द्वारा जो आयोजन किया जाता है उसमें पालक, अभिभावक और बच्चों के लिए बुलाने के लिए उसमें एक तरह से प्रेशर डाला जाता है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से मिशनरी अगर धर्मांतरण का काम करेंगे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, विद्यार्थी परिषद और संपूर्ण हिंदू समाज इसका विरोध करेगी और लगातार इसमें विरोध भी कर रही है। और इस एग्जाम के दौरान यहाँ पर कोई घटना हुई है? बहुत जो एग्जाम हॉल में बैठे थे हम लोग, उसमें फोड़फाड़ हुई है। मतलब जो कांच वगैरह थी, खिड़कियाँ वो आए हम लोगों के ऊपर, तो हम परेशानी आई, तो फिर दूसरे हॉल में जाके एग्जाम देने। उस समय आप बच्चों की क्या स्थिति थी? एग्जाम देने बैठे थे ही, थोड़ी देर बाद ही बस। क्या आप लोग सामान्य थे उस समय? नहीं, हम लोग सामान थे, लेकिन हमको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। सुरक्षित है? कोई मन में भय व्याप्त तो नहीं है? बस एग्जाम में ही दिक्कत हुई है थोड़ी सी, पेपर दे रहे थे एग्जाम समय, तोड़फोड़ घबराहट के कारण। अब जो हुआ उस तोड़फोड़ से आपको कहीं डर लगा था? एग्जाम मतलब जिस हॉल में बैठे थे उसी हॉल में तोड़फोड़। क्या जानकारी है ये तोड़फोड़ किस कारण से हुई? हमें तो ऐसी कुछ खास जानकारी। अच्छा, क्या आप लोगों को ये जानकारी थी कि कल ऐसा कुछ बताया गया था कि कोई बड़ा अंदेशा हो सकता है, इसके बाद भी आपको आज यहाँ पे एग्जाम के लिए बुलाया गया? आपके माता पिता को पेपर तो सीधा था, पेपर तो होना था, पेपर देना जरूरी था, पेपर तो ऑल ओवर इंडिया होता है, आज ही होना था। किसी तरह की हानि तो नहीं हुई आपको? नहीं, हमें तो किसी स्टूडेंट को, अगर हमें नीचे बैठे होते तो हमको जरूर हानि होती, हम ऊपर शिफ्ट कर दिया गया था, इसलिए हमें सही टाइम पे हम लोग पूरे पहुंच गए। टेंशन की वजह से जो आता था वो भी पूरा पेपर बिगड़ा है। टेंशन की वजह से बहुत पेपर, कंसंट्रेशन पूरा बिगड़ गया। मतलब आपका कहना है कि जो घटना हुई उसके कारण से आज का पेपर दोबारा कराया जाए? अभी आप लोग ठीक हो? तो हम ठीक है। आपको पहले कह दिया गया था? हमारी तरफ से पर्याप्त पुलिस व्यवस्था के इंतजाम थे और उनको रोकने की कोशिश भी की है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और यहाँ बल लगाया गया है और अभी सब बच्चे सुरक्षित हैं। कोई यहाँ, कोई नंस भी यहाँ मेरे पीछे खड़ी हुई है, जो देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड पे
ये सब स्वस्थ महसूस कर रही हैं। इनके सामने TI एक सह TI मौजूद है। सर ये उसके बारे में मैंने मीडिया से पता चल गया, ऐसा एक लेटर मीडिया से सेंट जोसेफ स्कूल के नाम पर ऐसा एक फैला दिया, एक कन्वर्शन चला रहे हिंदू धर्म का 8 बच्चों को ईसाई बना दिया। वो लोग पत्र में लिखा गया है वो बच्चों का नाम, वो बच्चे का कोई इधर ही नहीं पड़ता है। फिर अक्टूबर 31 तारीख डेट डाल रखा है, कोई 31 अक्टूबर संडे इतवार है, ये इतवार में कोई टीचर्स और कोई बच्चे स्कूल में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये मुद्दा कैसे हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे हुआ मुझे पता नहीं। हमारा चर्च में और कुछ प्रोग्राम हमारा ही बच्चों का होता है तो फिर कोई हिंदू धर्म का और कोई बाहर का कोई वही नहीं है। ये स्कूल में ऐसा एक प्रोग्राम नहीं हुआ है, मुझे ऐसा वाले 8 बच्चे इधर ही नहीं पढ़ता है, मुझे ये बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी जो तोड़फोड़ हुई है, इस समय स्कूल में कौन-कौन लोग मौजूद हैं? अभी मैंने कल रात को TI साहब थाना में थाना प्रभारी को भी SP साहब को भी लेटर भेज दिया और DM साहब को भी मैंने खबर दे दी, सबको दे दिया था, DM साहब को भी दे दिया था। ये ऐसा होने वाला मैं मीडिया से पता चल गया था। ये मुद्दा ऐसा पत्र मारा है, पूरा पत्र बहुत नुकसान हो गया, कम से कम 8-10 लाख तक हमारा नुकसान हुआ है। यहाँ पर कौन कौन मौजूद है? अभी CBSE का परीक्षा चल रहा है, बच्चे प्लस टू का बच्चे को परीक्षा लिखा है। मैंने सुबह CBSE ऑफिस RO भोपाल को मैंने इन्फॉर्म किया दिया था मैडम को, मैडम ऐसा होने वाला है, कुछ हो गया तो बच्चों को परीक्षा मैं क्या करूँ, आपके वैसे ही आपको DM का मैडम ने बोला DM साहब का नंबर देने के लिए, मैंने DM साहब का नंबर मैडम को भेज दिया गया था। अभी मैं ये प्रोग्राम इधर ही लोग इकट्ठे होने के बाद भी इतना न्यूज़ देने के बाद भी सब लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को देने के बाद भी इतना लोग इकट्ठे होने के शुरुआत में पत्थर मारने के टाइम पर एक ही पुलिस को न दो पुलिस को मैंने गेट के सामने देखा।